नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि देश में कोविड 19 ने बरपाया है कहर। पहली बार 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा नए मरीज। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि संक्रमण के मामलों में लगातार ही 32वें दिन बढ़ोतरी हुई है। देश में अब भी 11,08,087 लोग संक्रमित हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 8.29% है, जबकि स्वस्थ होने वाले लोगों की दर भी 90.44% रह गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बेकाबू है कोरोना। 24 घंटे में रिकॉर्ड 10,732 संक्रमित। केजरीवाल बोले कि अस्पताल के बेड भरे तो लगेगा लॉकडाउन। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में बीते 24 घंटे में कितने मामले आए और शनिवार को राजधानी में जो पाबंदियां बढ़ाई गई उनको लेकर जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बीते 24 घंटे में 10,732 केस आए हैं, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर बेहद खतरनाक है और बहुत तेजी से लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि क्या आपके आधार से कोई दूसरा भी पैसे निकाल सकता है, जानिए UIDAI का जवाब। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में आधार कार्ड की उपयोगिता काफी बढ़ गई है। यहां तक कि अगर टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए भी आधार नंबर जरूरी कर दिया गया है। इसके बिना रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बैंक अकाउंट खुलवाने, सरकारी स्कीम्स का फायदा उठाने समेत सभी महत्वपूर्ण वित्तीय कामों में इसकी जरूरत होती है। अगर मोबाइल सिम खरीदने जाते हैं तो भी इसकी जरूरत होती है। आधार की मदद से अब पैसे भी निकाले जाने लगे हैं। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि आधार की उपयोगिता जब इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो फ्रॉड का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि जिसके बारे में आपको जानना भी जरूरी है। इसकी विस्तृत जानकारी लेने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में लग सकता है 15 दिनों का फुल लॉकडाउन, इसका फैसला होगा आज। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने सबसे अधिक तबाही मचा दी है। यहाँ हर रोज 50,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के इसी उछाल को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। इस बीच कोरोना की बेकाबू रफ्तार अभी भी जारी है। कोरोना पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक अहम बैठक बुलाई है। ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन को लेकर इस बैठक में अंतिम फैसला लिया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि एक बार फिर से चलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, जाने भारतीय रेलवे ने क्या कहा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोविड 19 के बढ़ते मामलों के बीच कई प्रवासी मजदूर राज्य में एक दूसरे लॉकडाउन की आशंका जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर हो रही वायरल खबर के मुताबिक लॉकडाउन के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई है। हालांकि भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन के मुताबिक उन्होंने कहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की कोई भी योजना नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में रहते हैं तो नोट कर लें ये नए गाइडलाइंस, अमल करना होगा जरूरी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड 19 के नए मामले बेहद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सख्त पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको नए नियम या गाइडलाइंस को अच्छी तरह समझना जरूरी है। इससे कोरोना काल में आपकी लाइफ सुचारू रूप से चलेगी और आप परेशान नहीं होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो, DTC और क्लस्टर बसें 50% क्षमता के साथ चलाने की परमिशन दी गई है। इसके अलावा शादी समारोह में 50 मेहमान शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोविड 19 मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सभी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त के लिए फौरन चेक करें स्टेटस, अगर लिखा है ऐसा तो जरूर मिलेगा पैसा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं या फिर अप्रैल जुलाई वाली 2,000 रूपए की किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच किसानों के खाते में पहुँचती है। इस किस्त का इंतजार 11,74,00,000 किसान कर रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कहां रुकी हुई है या फिर आपको अभी तक क्यों नहीं मिली है तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि आज निपटा लें अपने सभी काम क्योंकि मंगलवार से कई दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि अगर आपको बैंक में कोई भी जरूरी काम है तो कल तक आप उसे निपटा लें। मंगलवार से कई दिनों तक बैंक बंद रहेंगे, ऐसे में आपका बैंक का काम रुक सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार इस महीने बैंक कर्मियों की 9 दिन की छुट्टी रहेगी, जिसके कारण उस दिन बैंक बंद रहेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि आज से शुरू हो चुका है टीका महोत्सव, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना है लक्ष्य। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है, वहीं महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आज लॉकडाउन पर मुख्यमंत्री ठाकरे कोई फैसला ले सकते हैं। और आपको बता दें कि झारखंड में भी टीका उत्सव मनाया जा रहा है। रांची के अशोक नगर में लोग लंबी लाइनों में खड़े हैं और उन्होंने वैक्सीन की खुराक भी ले ली है। आपको बता दें कि देश में 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र से दिल्ली जाने पर RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट होगी जरूरी, चुकने पर 14 दिन रहना होगा क्वारंटीन। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि अगर आप महाराष्ट्र से आने वाले दिनों में दिल्ली फ्लाइट से जाने
जाने वाले हैं, तो आपके लिए ये खबर बेहद ही जरूरी है। कोरोना के नए मामलों को देखते हुए अब महाराष्ट्र से दिल्ली आने वालों को अपने साथ RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट साथ लेकर चलना होगा। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि देश में COVID-19 ने बरपाया कहर। पहली बार 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा नए मरीज। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि भारत में COVID-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 1,52,889 नए मामले सामने आए हैं। और आपको बता दें कि कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,33,58,805 हो गई है, जबकि देश में वर्तमान में इस बीमारी का इलाज करा रहे लोगों की संख्या महामारी शुरू होने के बाद से पहली बार 11 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। दोस्तों आपको बता दें कि एक खबर के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक महामारी से एक दिन में 839 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे मृतकों की संख्या 1,69,275 हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में बेकाबू कोरोना। 24 घंटे में रिकॉर्ड 10,732 संक्रमित। केजरीवाल बोले, अस्पताल के बेड भरे तो लगेगा लॉकडाउन। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में बीते 24 घंटे में कितने मामले आए और शनिवार को राजधानी में जो पाबंदियां बढ़ाई गई उनको लेकर जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बीते 24 घंटे में 10,732 केस आए हैं, तो अब तक सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर बेहद ही खतरनाक है और बहुत तेजी से लोग इसकी चपेट में भी आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इससे पार पाने के लिए दिल्ली सरकार 3 स्तरों पर काम कर रही है। पहला कि इसे फैलने से कैसे रोका जाए, और दूसरा कि अस्पताल का मैनेजमेंट कैसा हो, और तीसरा वैक्सीनेशन। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि क्या आपके आधार से कोई दूसरा भी पैसे निकाल सकता है, जानिए UIDAI ने क्या दिया जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में आधार कार्ड की उपयोगिता काफी बढ़ गई है। यहां तक कि अगर टैक्स रिटर्न फाइल करना हो तो उसके लिए भी आधार नंबर जरूरी होता है। यहां तक कि अगर आप बैंक में खाता खुलवाते हैं या कोई सरकारी स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं, इन सभी कामों में आधार कार्ड की जरूरत होती है। आपको बता दें कि आधार की उपयोगिता जब इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो फ्रॉड का खतरा भी ऐसे ही बढ़ गया है। ऐसे में अब आपके मन में कुछ सवाल होंगे कि ये जानना भी जरूरी है, क्या इससे कोई खतरा हो सकता है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि बैंक अकाउंट खुलवाने में आधार की जरूरत होती है। KYC प्रक्रिया के दौरान बैंक ऐसी बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। इसके बावजूद अगर कोई फ्रॉड आपके आधार पर बैंक अकाउंट खुलवा लेता है तो इससे आधार होल्डर को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, ये जिम्मेदारी बैंक की होगी। और किसी तरह का वित्तीय नुकसान पहुंचाया जाता है तो वो भी बैंक का मामला होगा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि केवल आधार कार्ड की जानकारी हासिल होने से न तो उससे लिंक बैंक अकाउंट के बारे में पता चलेगा और न ही कोई भी इसके ट्रांजेक्शन कर पाएगा। बैंक से पैसे निकालने के लिए अकाउंट होल्डर के साइन की जरूरत होती है। आधार लिंक सर्विस के लिए OTP की जरूरत होती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में लग सकता है 15 दिनों का फुल लॉकडाउन, फैसला होगा आज। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने सबसे अधिक तबाही मचाई है। यहां हर रोज 50,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के इसी उछाल को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस बीच कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी है। कोरोना पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज एक अहम बैठक बुलाया है। ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन को लेकर इस बैठक में अंतिम फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संकेत दिए हैं कि सरकार संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 12 अप्रैल से 15 दिनों का लॉकडाउन लगा सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त के लिए फौरन चेक करे स्टेटस, अगर लिखा है ऐसा तो जरूर मिलेगा पैसा। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त या फिर अप्रैल जुलाई वाली 2,000 रुपए की किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच किसानों के खाते में पहुंचती है। इस किस्त का इंतजार 11,74,00,000 किसान कर रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पैसा कहां रुका हुआ है तो आप अपने स्टेटस को चेक करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्टेटस चेक करने का तरीका बेहद ही आसान है। आपके स्टेटस में अगली किस्त के बारे में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट या फिर RFT साइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट या फिर FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग लिखा दिखेगा, तो इन चीजों के बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर अगर आपका स्टेटस चेक कर रहे हैं और ऐसा कुछ लिखा दिखता है तो इसका मतलब ये है कि 2,000 रुपए की रकम में थोड़ा विलंबता है, राज्य सरकार ने अभी मंजूरी नहीं दी है। जैसे राज्य सरकार आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों को वेरीफाई कर लेगी तो आपको RFT साइन करके भेज देगी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि RFT की फुल फॉर्म रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर होता है। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के डेटा की जांच कर ली गई है जो सही पाया गया है। इसके बाद राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है कि लाभार्थी के खाते में पैसे भेज दिए जाएं। अगर पीएम किसान पोर्टल पर स्टेटस में FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कंफर्मेशन इज पेंडिंग का मैसेज दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी किस्त जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कल निपटाले अपने सभी काम, मंगलवार से कई दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको बैंक में कोई भी जरूरी काम है तो कल ही उसको निपटाले, मंगलवार से कई दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि बैंक 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को बंद रहेंगे। इन दिनों बैंक की छुट्टियां होंगी, तो इन छुट्टियों से पहले ही आप अपने बैंक के
सभी काम निपटा लें। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।